एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक मेकअप किट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वाली ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही रिसेंटली ही मंगवाई है। ये मैंने एज अ गिफ्ट पर्पस के लिए मंगवाई है, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो मैंने इसमें ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इसमें मेकअप का सामान जो एसेंशियल होता है, जो चीज़ें हर एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं, मैंने वो चीज़ें इसमें डाल करके ये किट तैयार की है खुद से सामान बाय करके। तो इसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो किट है ये कैसी है, इसके अंदर सामान कौन कौन सा है जो ज़रूरी है मेकअप के लिए। और इन्हीं एक छोटी सी किट बनाई है मैंने, इसको आप ट्रैवलिंग पे भी लेकर के जा सकते हैं। इसके साथ आप बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो। हम बात कर लेते हैं मेकअप किट की। ये मैंने यहाँ से ओपन करी और इसमें जो मैंने सामान भरा हुआ है, ये इसमें सामान है मेकअप का, ये मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वन बाय वन करके मैं आपको सीरीज में हम यूज करते हैं अपने फेस के ऊपर, उस सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सा ऐसा सामान रखा है। जैसे आप टीनेजर हो, आपकी मॉम है, उनको मेकअप करना इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो कुछ कुछ असेंशियल चीजें जो अगर आप अपने फेस पर लगा लो तो आपका जो फेस है वो एक तरह से थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। फिर उसके बाद चाहे आप मेकअप ना भी करें, बहुत ज़्यादा ओवर जो भर भर के मेकअप लगाना होता है, तो फिर भी आप भी जाएंगे तो आपका चेहरा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब हमने अपनी स्किन केयर रूटीन कर ली तो हमें अपने चेहरे पर ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देखिएगा। इस प्रोडक्ट की आपको पूरी फुल नॉलेज मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। बहुत ही अच्छा एक हाइलाइटिंग प्राइमर आप इसे बोल सकते हैं। ये अगर आपका चेहरा यदि डल है बहुत, उस पर शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, आप चाहते हैं कि जब मैं मेकअप करूं कम से कम तब तो मेरे चेहरे पर ग्लो आए, अगर आप वैसे भी इसको डेली भी यूज करना चाहते हैं एज अ मॉइस्चराइजर भी, तो आप तब भी इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है और ये प्राइमर का काम भी करता है। मेकअप से पहले यदि आप इसको लगाएंगे तो आपका जो पोर्स वगैरह है वो हल्के हल्के फिल इन हो जाएंगे और उसके बाद जब आप कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम कुछ भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्लाइड कर जाता है। तो इस तरह से ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, पोर्स को ब्लर करता है और मॉइस्चराइजेशन देता है, हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हर कोई एज ग्रुप वाला यूज कर सकता है, जिनकी एज 50 प्लस है वो भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। खास करके ये जो स्पेशल मेकअप के प्रोडक्ट्स मैंने चुन करके निकाले हैं ये उन्हीं के लिए हैं जो 40-50 प्लस है, जो अपना मेकअप खुद से करना नहीं आता है वो इनका यूज हल्का हल्का करके अपने चेहरे को अच्छा दिखा सकते हैं किसी पार्टी के लिए, किसी फंक्शन के लिए। सेकंड प्रोडक्ट इसके बाद आपको अप्लाई करना है वो है लैक्मे की 9 to 5 की सीसी क्रीम। मैंने इसमें ना तो बीबी क्रीम रखी है ना ही फाउंडेशन कंसीलर रखा है। क्यों? क्योंकि जो 40-50 प्लस होते हैं उनको इतना स्टेप्स फॉलो करने नहीं आते हैं और उनका इतना मन भी नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करें या कंसीलर अप्लाई करें। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो सीसी क्रीम है ये ठीक ठाक कवरेज दे देती है, जो बीबी क्रीम होती है वो थोड़ी सी कम कवरेज देती है। तो इसलिए आप उसको भी अवॉइड करिए, फाउंडेशन को भी अवॉइड करिए, अपने चेहरे पर लगाइए सीसी क्रीम। मैं लैक्मे की आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि लैक्मे की जो सीसी क्रीम है इसमें और भी काफी सारे शेड्स आते हैं, आप अपना शेड आसानी से ले सकते हैं। जो बीबी क्रीम वगैरह होती है या कोई और कंपनी की जो सीसी क्रीम्स होती है उसमें इतने सारे शेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से प्राइमर के बाद, हाइलाइटिंग प्राइमर के बाद जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा हल्की फुल्की शाइन भी करेगा क्योंकि आपने उससे पहले हाइलाइटिंग प्राइमर अप्लाई किया था। ये कॉम्पैक्ट है, इसको मैं आपको ऑप्शनल बोलूंगी कि आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए। ये एक ऑप्शनल प्रोडक्ट है, जो अच्छा लगता है यूज करना वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको भी भर के नहीं लगाना है, हल्का सा डस्ट ऑफ करके, जैसे ये ब्रश है मेरे पास
आपको क्या करना है, इसको ब्रश को लेके इस तरह से जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसे लेके इसको ऐसे डस्ट ऑफ करके फिर अप्लाई कीजिए, ताकि आपका चेहरा जो है बहुत ज्यादा पाउडरी ना हो जाए और हल्का फुल्का बस आपका जो बेस है वो सेट हो जाए। इसको अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अपने आईब्राउज को हल्का हल्का फिल इन कर लेना है, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि कुछ गैप्स हैं। बहुत ज्यादा हार्श लाइंस मत बनाइए पहले। इस ये मेबलिन की पेंसिल है मेरे पास, इस तरह से इसके वन साइड इस तरह से कॉम होती है स्पूली, इसको इस तरह से कॉम कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद देखिए कि आपके कहां कहां पे छोटे छोटे जो गैप्स हैं उनको इस तरह से प्रोडक्ट निकाल के ऐसे हल्का हल्का चलाते हुए फिल इन कर लीजिए। बहुत ज्यादा ओवर ना करिएगा, फिर आपके आईब्राउज जो है वो फेक लगेंगे। तो जैसे चेहरे पे थोड़े अच्छे लगे बस हल्के फुल्के गैप्स फिल कर लीजिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे के लिए ये जो मैंने एक पैलेट मंगवाई है, ये है मार्स की फायर फ्लाई मेकअप पैलेट डिजाइन बाय इंडिया। ये इस तरह से पैलेट है, इसमें ये वाली आई शेडो की शेड्स हैं। ये जो पैलेट है ये मैंने क्यों मंगवाई है, क्योंकि अब ज्यादा बड़ी आई शेडो पैलेट क्या करनी है उन मॉम्स ने जो मेकअप ही नहीं करती हैं। उनको तो कभी कभार ही ऐसा मेकअप करना होगा, कोई शादी में जा रही है या कहीं जा रही है, तो फिर ही वो आई शेडो वगैरह अप्लाई करती हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो वो अवॉइड ही करती हैं। इसलिए मैंने बड़ी आई शेडो पैलेट रखने की बजाय छोटी आई शेडो पैलेट रखी है इसमें किट में, तो उनके लिए आसान हो जाए कि कुछ कुछ कलर्स हैं इसमें ब्राइट कलर्स, तो वो अपने आउटफिट के साथ मैचिंग करके हल्का फुल्का सिंगल कलर लेके अपनी आईज पर अप्लाई कर लें, कि जो आईलिट्स हैं वो अच्छे से शाइन करेंगी, अच्छा सा एक कलर ऐड हो जाएगा, फीका फीका नहीं लगेगा चेहरा। तो उसके बाद नीचे जो प्रोडक्ट है इस तरह से इसमें ये हाइलाइटर भी है, कॉन्टोर भी है, ब्लश भी है, और ये वाला जो है ये पाउडर है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो सेट करना चाहते हैं अपना फेस इसके साथ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो शेड है ये हर किसी की मैचिंग शेड नहीं होती है फेस के अकॉर्डिंग, तो आप कॉम्पैक्ट इसलिए मैंने उसमें अलग से रखा है कि कॉम्पैक्ट जो है आप अपनी कम से कम जो शेड है फेस की उसके साथ मैच कर ही लें। तो इस तरह से आप आई शेडो अप्लाई कर लीजिए हल्की फुल्की, फिर उसके बाद आप ब्लश हाइलाइटर लगा लीजिए हल्का हल्का, तो आपका चेहरा जो है वो पार्टी रेडी दिखना शुरू हो जाएगा। जो मैंने इसमें रखा है ये मैंने रखा है लैक्मे का ही आइकॉनिक काजल, ये ब्लैक काजल है। इसको भी आप हल्का हल्का लगा लीजिए और आपकी आईज जो है वो अच्छी दिखना शुरू हो जाती हैं। काजल जो होता है वो हमारे इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा पार्ट है। एक काजल के बिना जो आंखें हैं वो सूनी सूनी सी लगती हैं थोड़ी। आईलाइनर बेशक आप स्किप कर दीजिए, ना लगाइए, मस्कारा भी ना लगाइए, लेकिन काजल अगर आप हल्का सा लगा लेंगे तो आपकी जो आईज है वो सूनी सूनी नहीं लगेंगी, वो अच्छी लगेंगी। इसके बाद मैंने और तो कुछ नहीं रखा है, बस लिपस्टिक रखी है। लिपस्टिक मैंने बड़ी बड़ी नहीं रखी है क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होता है, वो ना तो आप पूरी यूज कर पाते हैं आपका प्रोडक्ट जो है। अगर आपके पास 7-8 लिपस्टिक्स हैं बड़ी बड़ी हैं, आप इतनी ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, वो पड़ी पड़ी भी एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाली छोटी लिपस्टिक मंगवाई है, ये वाली। ये एक किट है पूरी डेजलर की, मैंने किट मंगवाई है। इसमें काफी सारे शेड्स हैं, 6 शेड्स हैं। इसमें पिंक भी है, मैरून भी है, रेड भी है, पिंक के भी 3 शेड्स हैं, रेड है, मैरून है, और एक वाइन सा शेड है। इस तरह से जो मोस्टली एज लेडीज को पसंद होते हैं जो शेड्स, वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। ये बहुत अच्छी एक किट है, इसका भी फुल रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड होगा, अगर नहीं होगा तो 1-2 दिन तक मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से ये हो गई लिपस्टिक्स। इसके स्वॉचिस मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ इस वीडियो में, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है इसके रिव्यू के ऊपर, आप वो वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको स्वॉचिस पता लगेंगे इन लिपस्टिक्स के। उसके बाद मैंने ये 3 मेकअप के ब्रशेस रखे हैं, जो कि जिसको कि आप एक को पाउडर सेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक मैंने आई मेकअप के लिए रखा है जो हल्की हल्की आई शेडो अप्लाई करनी है, और एक ये जो है ब्लश और हाइलाइटर के लिए
इकट्ठा रखा है, 3 ब्रशेस मैंने इसमें रखे हैं। ये सारा ज़रूरी ज़रूरी सामान है जो कि हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। और लास्ट में मैंने ये रखी है एक वेट वाइप्स हैं, ये मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं। यदि आप मेकअप करेंगे तो मेकअप को रिमूव भी तो करना है, तो उस सिचुएशन के लिए मैंने ये रखा है कि आपको इसके साथ मेकअप जो है रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही इजीली आप इसके साथ रिमूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता है आपके फेस के ऊपर। तो ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी ठीक रहती है, ट्रैवलिंग में भी काम आ जाती है, अच्छी रहती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से ये हो गई मेकअप की किट। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेकअप किट कैसी लगी है, इसमें जो सामान है क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है, मैंने सारा ध्यान से रखा है इसमें सामान, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि आप भी वीडियोस को देखते हैं, अच्छे से सुनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करा कीजिए, मुझे और भी अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।